दुनिया भर के अरबों मुसलमान 10 मार्च से रमजान मना रहे हैं जो 9 अप्रैल तक चलेगा। मेरे साथ आज समुदाय की नेता साइमा शफाक है जो इस पाक महीने के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। उन्होंने बैरी पब्लिक लाइब्रेरी में रमजान स्टोरी टाइम इवेंट का आयोजन किया था। अहमदिया मुस्लिम वीमेन एसोसिएशन के साथ वॉलेंटियर के रूप में भी काम करती है। साइमा, आज मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। रमजान का जो महीना है हमारे लिए एक रूहानियत में ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए है, बहुत सारी अच्छी आदात अपनाने के लिए महीना मुसलमान दुनिया भर में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को ज्यादा मुनज्म कर लेते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं, आप लोगों के लिए जो लोगों की भूख है उसको महसूस करके एक एम्पैथी और कंपैशन अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आपको एहसास होता है कि जो दुनिया में इतनी गुर्बत है और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, अगर आप अपना एक खाना स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसकी क्या आपके फीलिंग्स होती हैं। जब आप उसको समझ लेते हैं तो आप उनका दर्द समझ सकते हैं। और इस तरह से फिर हम चैरिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं रमजान के महीने में। जब हम अपना खाना छोड़ते हैं तो उस खाने को हम गरीबों में बांटते हैं, दूसरे मुल्कों में भी शेयर करते हैं। यहाँ कनाडा में रहते हुए हम होमलेस पीपल को देते हैं, शेल्टर होम्स में जाके वो फूड शेयर किया जाता है। इसके अलावा इसके इस रूहानियत के हिसाब से बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपके जो खालिक है उससे हम अपना ताल्लुक पैदा करते हैं खास। तो इसका खाना, एक दरमियान का खाना छोड़ने का ये भी मतलब है कि हम अपना जो रेगुलर खाना है उसको छोड़ के स्पिरिचुअल फूड जो है वो ज्यादा कर देते हैं, और अपना ज्यादा जो तवज्जो है वो खुदा से ताल्लुक बनाने में और खुदा की मखलूक का ख्याल रखने में ज्यादा गुजारते हैं। ये तो बहुत बहुत ही अच्छा, सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है रोज मीन्स रमजान के पीछे। जी बिल्कुल, रमजान का मकसद ये है कि ये सेल्फ प्रैक्टिस हमारी एक्सरसाइज है। एक महीने की पूरे साल में आती है, एक हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमने बुराइयों से रोक के रखना है हर तरह की। कोई आपको गुस्सा भी आप नहीं कर सकते इसमें, रोजा रखा। अब आप सोचिए कोई इंसान भूखा हो तो कहा जाता है उसको गुस्सा बहुत आता है, तो आपने ये कंट्रोल करना है कि उस लम्हे में अपने गुस्से पे काबू पाना है, अपनी जुबान को नरम रखना है और खुशियां फैलानी है, मोहब्बतें फैलानी है। उस हालत में जब आप अपना जिस्म आपका कमजोर है, आपको भूख लगी हुई है, आपकी फिजिकल नीड है वो पूरी नहीं हो रही, उस हालत में भी आप दुनिया का कैसे ख्याल रख सकते हैं, ये आपने करना। तो सायमा जी, क्या आप हमें बता सकते हैं आप रमजान कैसे मनाते हो? हाँ जी, तो रमजान का है ये 9th मंथ है, 9वां महीना है कमरी कैलेंडर का, क्योंकि चांद के हिसाब से देखा जाता है। इस वजह से हर साल ये 10 दिन पहले आता है रमजान, जो आपका सोलर कैलेंडर है, क्योंकि सोलर कैलेंडर से 10 दिन इसके काम होते हैं। इस साल हमने 10 मार्च को रमजान स्टार्ट किया है, चांद देख के स्टार्ट किया। उसके बाद हमने रोजे इस तरह से रखने होते हैं कि हम नाश्ता बहुत पहले कर लेते हैं, समझे, अभी सूरज भी नहीं निकला तो हमने अपना एक अर्ली ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं वो कर लेना, उसे सहरी बोलते हैं या सहूर, नाश्ता करके। उसके बाद अब हमारा सारा दिन जो फोकस है वो हमारी इबादात पे, अच्छी गुड डीड्स करने पे, और अपने नेबर्स, हमसायों का, को वर्कर्स का ख्याल रखने में गुजार देना है। उसके बाद जो हमारा डिनर टाइम है वो लेट है, लेट यही है कि जब सूरज गरूब हो जाएगा उस टाइम हम अपना डिनर करेंगे, और बीच में हम कोई अपनी मादी खुराक नहीं लेंगे, ना पानी ना कोई और चीज। जब हम खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, उसको हम इफ्तार बोलते हैं, और इफ्तार यूजुअली हम अपनी खजूर और पानी के साथ रोजा अपना खोलते हैं, उसको इफ्तार कहते हैं, और फिर रेगुलर अपना जो खाना है वो खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद एक हमारी स्पेशल प्रेयर होती है,
नमाज होती है, दुआ होती है, वो करते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर सुबह उठ के उसी तरह सहरी की तैयारी होती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप खजूर से आप रोजा छोड़ते हो, तो खजूरी क्यों, उसका कोई विशेष महत्व है? जी बिल्कुल। खजूर, एक तो ये कि इस्लाम के जो नबी हैं, प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ये तरीका था कि वो खजूर से रोजा खोलते थे। जब भी रोजा इफ्तार करना था तो पहले खजूर खाते थे। इसके पीछे बहुत सारी हिकमत है, बहुत सारी लॉजिक है। एक रीजन ये है कि खजूर में ताकत बहुत है। जब आपका जिस्म बहुत निकाहत में होता है, बहुत वीक होता है, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि आप खजूर खाया करें। खजूर खाएं, आपके जिस्म में एकदम ताकत आती है। प्यास लगी हो तो फौरन हम पानी पीते हैं और फिर दूसरा खाना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रमजान की जब भी कोई पिक्चर्स हो या कोई भी इवेंट हो तो उसमें खजूरें जरूर होती हैं। ये एक मशहूर चीज है और बराबर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है, हमारी बराबर बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। एक खजूर कहा जाता है एक रोटी के बराबर है, एक ये बराबर मिथ है कि एक रोटी के बराबर है जी गजाइयत। तो रमजान में इसका भी यानी देखा जाता है, आप रोजे भी रखिए बट हेल्दी भी रहिए। बिल्कुल, रमजान में ये कि आपने हेल्दी ही रखना है। आजकल की साइंस भी यही कहती है, जब बराबर शुगर पेशेंट्स हैं या दूसरे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो डॉक्टर्स उनको यही सजेस्ट करते हैं कि फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसको ठीक किया जाए, वक्फे बराबर वक्फे से खाया जाए, बीच में पॉज किया जाए। तो यही इस्लाम जो है यही बताता है कि ये एक साइंटिफिक रिलीजन है। हम इसको यूं ही प्रेजेंट करते हैं कि इस्लाम ने जो भी हमें तालीमात दी हैं वो साइंस के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती है। उनकी हम आहंगी है आपस में। तो हमारी बॉडी के साथ उसका जो भी रिलेशन होता है वही हमें तालीमात दी गई हैं। तो सायमा जी, क्या आप हमें बता सकते हैं इस महीने में दुआ और रिफ्लेक्शन का क्या अहमियत है, और यह रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसा असर होता है? जी, रमजान का महीना है ही दुआओं का महीना। हम सुबह से लेकर रात तक, बल्कि रात के आधे पहर में भी जाके दुआएं करते हैं, क्योंकि हमारे पैदा करने वाले से ही जब हम मांगते हैं तो वो कबूल करता है। और जब हम इस हालत में रोजे भी उसी के लिए ही रख रहे हैं कि जिसने हमें पैदा किया है उसकी मखलूक का हम ख्याल रखेंगे, तो हमें जो भी चीज चाहिए उससे मांगी जाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में हम ये करते हैं कि जो जो हमसे गलतियां सारे साल में हो गई हैं उनको सोचते हैं, और फिर खुद भी सोचते हैं कि आइंदा ये गलती नहीं करनी, और अपने खालिक से भी मगफरत मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें पाक कर दे ताकि हम आगे नेकियों में बढ़ें। तो ये हर रोज की सेल्फ रिफ्लेक्शन है। जब भी हमें रोजे में भूख महसूस होती है सबसे पहले, या हमें थकन महसूस होती है या नींद पूरी नहीं होती, तो सबसे पहले अपने गुनाहों को याद करते हैं कि क्या क्या हमसे गलतियां हो गई हैं, और उस गलतियों को हम कॉम्पेंसेट इस तरह से कर रहे हैं, और साथ साथ सोचते हैं कि अच्छा, कभी मैंने किसी को दुख दिल तो नहीं दुखाया था, कभी किसी, मैंने बाजार में गई थी और किसी भूखे इंसान को देखा था तो मैंने उसको खाना नहीं दिया था, मैं किस तरह से कम्युनिटी में गिव बैक कर सकती हूँ, मेरा कम्युनिटी में क्या रोल है। हमारे हमसाए नए आए हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। रमजान एक स्पेशल मंथ है, महीना है जिसमें हमने ज्यादा अच्छी चीजें करनी है। तो इनको अफ्तार डिनर हम शेयर करते हैं हमसायों के साथ, गिफ्ट पैक स्कूल्स में जाके शेयर करते हैं कि बच्चों को भी पता चले, और एक खुशी का मौका है, उनको बताया जाए कि इसमें ट्रीट शेयर करते हैं। जस्ट हम गरीबों के साथ शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखते हैं, ओल्ड होम्स में जाते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और अमन और सलामती का पैगाम पहुंचाते हैं दुनिया में, जिसकी आजकल दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत बहुत जरूरत है। या आपने सही कहा। है। रमजान हमारा 30 दिनों का मेहमान होता है। 30 दिन का रोजा हम रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चांद, चांद पे है कि कभी 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है।
शुरू भी इसका, रमजान का आगाज भी चांद देखने पे होता है, रमजान का इख्तिताम भी चांद देखने पे होता है। जब 29 रोजे हो जाते हैं फिर चांद देखा जाता है, और चांद देख के अगर तो चांद नजर आ जाए तो अगले दिन हमारी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ईद उल फितर कहा जाता है, जिसको हम मीठी ईद भी कहते हैं। अगर उस दिन ना नजर आए तो अगले दिन चांद देखा जाता है, और फिर 30 रोजे होते हैं। तो इस ईद में हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जो रमजान में खुशियां लोगों को बांटी हैं, ईद वाले दिन उससे ज्यादा खुशियां बांटनी है। मीठा बांटना है, एक स्पेशल डिजर्ट है, शीर खोरमा बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है। हमारी जो साउथ एशियन स्वीट डिशेज हैं वो बहुत ज्यादा, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, और जो हमारी इंग्लिश कम्युनिटी है यहाँ की, उनको हम चॉकलेट देते हैं, और अपनी भी थोड़ी सी ट्रेडिशनल फूड उनको ट्राई करवाते हैं कि ये भी इंजॉय करें। तो ये खास ईद स्पेशल होती है कि इस पे हम मीठी चीजें खाते हैं, इसलिए इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। इस ईद को सेलिब्रेट करने का मकसद भी यही होता है कि हमने 30 दिनों में अपने आप को सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज जो सी की है, अपने आप को नज्मो जब्त के एक ढांचे में बनाने की कोशिश की हुई है, उस तरह से हम एक अच्छे इंसान बन के निकले। बहुत सारी बुराइयां हमने छोड़ दी हैं और बहुत सारी नई अच्छी बातें अपना ली हैं, तो इस बात की सेलिब्रेशन का नाम ईद उल फितर है। और ईद उल फितर में अगेन हम बहुत ज्यादा उस दिन चैरिटी, गिफ्ट शेयरिंग, कम्युनिटी वर्क करते हैं। क्या आप रमजान की कोई कहानियां बता सकते हो जिन्होंने आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला है? हाँ जी, रमजान में बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे बचपन की, बड़े होके और अब अपने बच्चों के साथ भी मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। एक तो यही कि हम रमजान में जो अफ्तार डिनर करते हैं और लोगों को बुलाते हैं मुख्तलिफ अपने घरों में, हमसायों में, फ्रेंड्स को, कोवर्कर्स को इनवाइट करते हैं, तो एक बहुत खुशी की एक फीलिंग होती है कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, रहमतें आ रही हैं। और उनको जब हम बताते हैं कि इस तरह से हम रोजा रखते हैं और अपने आप को काबू में रखते हैं, क्योंकि खाने पीने से रुकना सबसे मुश्किल काम है, तो बराबर है। आप उनको ये बताते हैं कि हम किस तरह से खाने से रुक के उसकी जगह हम एक अपनी कोई नेकी ऐड कर रहे होते हैं अपने अंदर, तो लोगों को भी जान के बहुत अच्छा लगता है। बचपन में अफ्तारियां करते थे, एक मजेदार सी, जब आगे आपके टेबल पे दस्तरखान लगा हो तो उस टाइम भी बहुत मजा आता है बचपन बच्चों को भी, कि सारा दिन अगर हमने रोजा रखा हुआ था और हर चीज से रुके रहे थे, तो अब ये वक्त है सेलिब्रेशन का। तो हर रोज अफ्तार डिनर जो है वो हमारी एक सेलिब्रेशन होती है, एक खुशी का मौका होता है, और हम इसमें सोचते हैं कि किस तरह से लोगों की मदद ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इस हिसाब से बहुत सारी किताबें भी लोगों ने लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ी जाए बच्चों के साथ, तो बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में हो सकती है। बेरी पब्लिक लाइब्रेरी के पास भी एक अच्छी कलेक्शन है रमजान के बारे में, और जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। एक बुक में सिर्फ काइंडनेस और शेयरिंग गिफ्ट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, एक बुक में जब्त को और अपने आप को कंट्रोल करने का बताया हुआ है कि किस तरह से आप वो करते हैं। और बच्चे ज्यादातर शेयर करते हैं जब वो अपने गिफ्ट्स फ्रेंड्स को दे के आते हैं और उनको खुशी होती है कि हमने एक अच्छी बात सीख ली और एक बात अच्छी बात की है। इसी तरह जब नेबर्स में हम इफ्तार डिनर देने चाहते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। लाइब्रेरी में कहानी सुनाने का क्या मकसद था और आपको वहां रिस्पॉन्स कैसा मिला? हाँ जी, लाइब्रेरी में भी स्टोरी टाइम करने का यही मकसद था कि अपनी कम्युनिटी को हम एजुकेट कर सकें, उनको मालूमात दे सकें कि हम भी, क्योंकि बेरी में हमारी कम्युनिटी बहुत ग्रो कर रही है, इंडियन और मुस्लिम कम्युनिटी डिफरेंट लोगों एरिया से आके बहुत ज्यादा मूव हो रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या क्या अच्छे काम कर रहे हैं और क्या क्या खूबसूरत तालीमात है जो हम भी फैलाना चाहते हैं। इन सब के हमारे कम्युनिटी पे ही फायदे हैं, हम मिलजुल के ज्यादा रह सकते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं, लोगों में हम आहंगी और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी पैदा हो सकती है। इस तरीके से लाइब्रेरी का इवेंट हमारा बहुत कामयाब रहा, लाइब्रेरी ने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे ये ऑर्गेनाइज करने में, बहुत ज्यादा वो वेलकमिंग थे, बहुत फ्रेंडली थे, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमें,
उन्होंने भी हमसे सवाल जवाब किए रमजान के बारे में, चांद के बारे में, रोजा कैसे रखते हैं, बच्चे रखते हैं कि नहीं रखते, बड़े रखते हैं किस तरह से, बुजुर्गों का क्या है, क्योंकि रमजान में बच्चे, बुजुर्ग, कोई बीमार हो वो रोजे नहीं रखते। तो ये भी उनके लिए जान के बहुत एक इंटरेस्टिंग उनको लगा कि एक ये नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। और छोटे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप किस तरह से खाते हैं, कैसे रोजा रखते हैं, कंट्रोल कैसे कर लेती हैं आप, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत मजा आया, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा, और इन प्रोग्राम से हमारे कम्युनिटी में रिलेशंस बहुत ज्यादा बने, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात डेवलप हुए, उनमें से एक ताल्लुक आपके साथ डेवलप हुआ। तो न्यूज मीडिया के साथ भी पता चला, डिफरेंट जो कम्युनिटीज थी उनके साथ भी ताल्लुकात पैदा चल पड़े और हमारे नए दोस्त बने, जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। तो आपने लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें पढ़ी और उन किताबों के बारे में आप कुछ बता सकते हो? हाँ जी, रमजान के हवाले से हमने तीन किताबें सिलेक्ट की थी, एक अंडर द मून किताब है, एक माय फर्स्ट रमदान, और थर्ड वन जो है यहाँ आपको डिस्प्ले में नजर आएगी, हन्ना द रमदान के। ये जो किताब है ये सारा बताती है कि हन्ना ने क्या रमजान में किया, उसके दादा जान ने बताया कि आपने काइंडनेस फैलानी है, आप रोजा तो रख नहीं सकती, आप अभी छोटी हैं, तो आप किस तरह से रमजान में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप, बीमार भी है वो अगर रोजा नहीं रख रहा तो वो बाकी नेकियां तो करेगा, नहीं, बाकी बच्चा है नहीं वो रोजा नहीं रख रहा तो वो और अच्छी बातें, अच्छी आदत अपने अंदर सीखेगा और उसने अपनानी है। तो हन्ना जो है वो किस तरह से चैरिटी वर्क करती है, अपने कपड़े दूसरों को शेयर करती है, अपना खाना शेयर करती है, ग्रोसरी लोगों को, गरीब लोगों को देती है, तो और डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ मिलके वो रहती है, वो सिख कम्युनिटी का सूप किचन है तो उनको जाके सपोर्ट कर रही है, इसी तरह एक सिनागॉग है वहां के उसकी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो खेलती है, इसी तरह चर्च की जो उसके हमसाए हैं जो चर्च जाते हैं उनके साथ वो इफ्तार डिनर शेयर करती है। तो मतलब ये बताने का कि मजहबी आहंगी पैदा करना इसका मकसद है, यही इन किताबों में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ मुसलमानों के साथ इफ्तारी नहीं शेयर कर रहे, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले के साथ उसी तरह प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं जैसे आप एक अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। और लाइब्रेरी ने काफी अपनी कलेक्शन इंक्रीज की है, जिसकी भी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। जब हमने पिछले साल ये इवेंट किया था रमजान का स्टोरी टाइम, तो बहुत थोड़ी कलेक्शन थी, अच्छा और जब हम इस दफा गए तो उन्होंने एक टेबल सजाया हुआ था और इतनी ज्यादा कलेक्शन थी रमजान की और ईद के बारे में, और बहुत मजा आया उसको देख के कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है हर चीज। और इस बात की भी खुशी हुई कि स्टोरी टाइम के बाद वो सारी किताबें नॉट अवेलेबल थी, क्योंकि लोग उनको पढ़ने के लिए लेके गए, लोग बराबर। जानना मैंने चाहते भी हैं, हाँ, समझना चाहते हैं। एक और सवाल लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी स्टोरी टेलिंग के बारे में कैसे, रमदान की स्टोरी टेलिंग के बारे में कैसी मोटिवेट हुई और लाइब्रेरी का क्या रोल था स्टोरी टेलिंग इवेंट में? ये इनिशिएटिव जोन सा है वो बेसिकली मेरे बेटे से आया, जो कि बहुत छोटा था, अभी स्कूल भी स्टार्ट नहीं किया था, और हम लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स को बहुत एंजॉय किया करते थे। कभी भी लाइब्रेरी का कोई क्रिएटिव प्रोग्राम आ रहा है मार्च ब्रेक में, विंटर ब्रेक्स में और समर्स में, वो लाइब्रेरी की ये खूबी है कि वो इंक्लूसिव है, डिफरेंट कल्चर के लोगों के जो चीजें उसको प्रमोट करती है, तो वो हर दफ़े एंजॉय करता था कि अच्छा ये तो दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, होली सेलिब्रेट हो रही है, क्रिसमस है, ईस्टर है, हर प्रोग्राम के क्राफ्ट वो किया करता था। जब हमारा रमजान आया तो बेड पे सोते हुए उसने जस्ट मेरे से पूछा कि इस महीने लाइब्रेरी में कोई रमजान का भी चीज होगी, तो मैं जरूर जाऊंगा। इस सवाल ने मेरे अंदर ये डाला कि ये बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा है कि क्या लाइब्रेरी रमजान के हवाले से भी कुछ कर रही है, क्योंकि ये मेरे से बिलोंग करती है। तो मैंने हर कम्युनिटी को इंजॉय किया है, सीखा है मैंने बहुत कुछ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है जब मैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में सीखता हूँ।
तो जो मेरी कम्युनिटी है, मेरे से जिसका ताल्लुक है, उसके बारे में कुछ हो रहा है इधर, क्या खास हो रहा है? यही बात मैंने जब लाइब्रेरियन से पूछी कि ये मेरे बेटे का सवाल है जो कि 4 साल का था उस टाइम, आप बताएं कि लाइब्रेरी कैसे सपोर्ट कर रही, क्योंकि मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। लाइब्रेरी इज आवर हैप्पी प्लेस, मैं नहीं चाहती कि उसकी हैप्पी प्लेस में किसी भी किस्म की नाउम्मीदी या ना मायूसी किसी भी किस्म की आए। तो लाइब्रेरी का बहुत अच्छा रोल था, उन्होंने बहुत वेलकमिंग किया। जब ये पहला साल था तो उन्होंने हमारे लिए क्राफ्ट किट्स बनाई, जिसमें रमजान गुड डीड ट्रीज बनाए और 200 बना के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। ये वो जमाना था जब पेंडेमिक थी और इन पर्सन स्टोरी टाइम नहीं हो रहे थे। पहले साल उन्होंने रमजान के गुड डीड ट्रीज बना के दिए, वो हमने बहुत इंजॉय किए। हर रोज हम एक उसमें से पत्ता लेते थे, पत्ते पे आज की जो नेकी सीखी है अच्छी बात, वो दरख्त पे लगा देते थे। तो इस तरह से हमारा जो वो दरख्त है वो बहुत ज्यादा हरा भरा होता गया। एवरी डे हम कोई ना कोई एक अच्छी बात करना शुरू हो गए और वो दरख्त हमने आज भी संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये एक निशानी है उसकी। और उसके बाद फिर हमने, क्योंकि स्टोरी टाइम्स एंजॉय किए और लाइब्रेरी से जब वो बात की तो भी लाइब्रेरी ने बहुत खुशी से उसको कबूल किया और हमारे साथ ताउन करके उसको कोऑर्डिनेट किया। वो ट्री बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत, अब हमें खुद बहुत ज्यादा खुशी हुई कि बेरी पब्लिक लाइब्रेरी बहुत ओपन है, बहुत इंक्लूसिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, स्टाफ बहुत अच्छा है, जिन्होंने ये सारा कुछ प्रमोट करने में हमारी मदद भी की। सभी को या सेफ प्लेस, जैसे कि आपने अभी कहा लाइब्रेरी एक सेफ प्लेस है सभी के लिए, कोई भी बेझिझक वहां जाके जो भी उनके सवाल है पूछ सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक सबके लिए, हर कम्युनिटी से बिलोंग करने के वाले के लिए वो एक अच्छी सेफ प्लेस, सेफ एंड हैप्पी प्लेस है। हर कोई वहां जाके खुश भी होता है क्योंकि आपको रिसोर्सेस बहुत अच्छी अवेलेबल होती हैं, आपको प्रोग्राम्स बहुत अच्छे मिलते हैं और हर तरह के आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड हो, आपने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने हैं, आपने अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो इंफॉर्मेटिव सेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं जिनका बहुत जरूरत है कम्युनिटी में, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, नई कम्युनिटीज आ रही हैं, उनको इंटरमिंगल करने के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रही है लाइब्रेरी। साइमा जी, क्या आप रमजान के इस महीने में लोगों को कोई संदेश या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी, रमजान का महीना क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंपैशन और एम्पैथी का है, तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगी कि मोहब्बतें फैलाएं, अमन फैलाएं, जितना भी आप रोल प्ले कर सकते हैं अपने हमसायों में, अपने दोस्त अहबाब में, प्यार मोहब्बत फैलाएं और इनिशिएटिव्स लें, लोगों को अवेयरनेस दें। और जिसने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट भी करें, अगर कोई आपका कोलीग या कोई कोवर्कर रोजे में है तो उसके साथ भी उस तरह नाइस रहें और उसके साथ जानें कि ये आप क्यों रख रहे हैं, क्या अपने आप को एजुकेट करें और बाकी सबकी रिस्पेक्ट करें, तो ये बहुत जरूरी है। रमजान इंक्लूसिविटी भी लेके आता है कि आपने इंक्लूसिव रखना है, सब सबका रिस्पेक्ट करनी है, काइंडनेस स्प्रेड करनी, चैरिटी वर्क कर सकते हैं वो करें, दुनिया में जो अमन का पैगाम पहुंचाना है उसके लिए अपना रोल पर्सनली जरूर करें। आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते, रोजा नहीं रखते, लेकिन जस्ट ये एक एक्सरसाइज करें कि हम अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, अगर सारे दिन में किसी को तकलीफ दी है, किसी को कोई बात हमारी बुरी लगी है, तो उस पे नदामत करें और कोशिश करें कि आइंदा ये ना हो, और अगले ना। से माजरत करें कि ये आपको तकलीफ हुई होगी मेरे से तो उसके लिए माजरत है, और आइंदा हम दोस्त बन के रहेंगे, कोई आपकी नाराजगी भी है तो उसको भी भूलें और खुशियां बांटें एक दूसरे के साथ। ये बहुत बहुत जरूरी संदेश है सभी के लिए। जी बिल्कुल। साइमा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और बात करने का मौका दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है कि ये लोगों के लिए एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होगा और बहुत कुछ वो जानेंगे और बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे आपस में कम्युनिटीज के।